कैसे पता करें कि आपके घुटने में ACL या लिगामेंट की इंजरी हो गई है? दोस्तों, अगर आपको खेलते समय या फिर एक्सीडेंट के दौरान कोई चोट लगी है जिसके कारण आपको आपके घुटने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपको ACL की इंजरी है? तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले जब ACL की इंजरी होती है, जैसे आप गेम खेल रहे हैं, आपने लॉन्ग जंप किया, लैंड किया उस समय, या फिर आपने एकदम से डायरेक्शन चेंज किए, या फिर एकदम से आपका पांव तो वहीं रहा और आपका पूरी बॉडी आपके नी से ट्विस्ट हो गई, और अगर आपको लिगामेंट की इंजरी हुई है तो आपको एक लाउड साउंड आती है इंजरी के दौरान, उसके बाद काफ़ी दर्द होता है आपको कुछ दिनों के लिए, आपके पैर में सूजन आ सकती है, फूल सकता है वो, और साथ में चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। ये दर्द सूजन धीरे धीरे 2 से 3 दिन में खत्म हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके घुटने में लचक आती है। लचक का मतलब है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप नॉर्मल चल रहे हैं तब हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही आप किसी उबड़ खाबड़ अनइवन सरफेस पे जाएंगे, जैसे आप ट्रैकिंग चढ़ेंगे या फिर डाउन हिल या अपहिल, ऊपर चढ़ना या नीचे चढ़ना, या फिर आप तेज रनिंग की कोशिश करेंगे, या फिर आप डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर आप जंप करके उस पैर पे लैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका नी स्टेबल नहीं है। नी स्टेबल नहीं है मतलब आपका नी एक के ऊपर फीमर और टीबिया इस तरह से सरक रहे हैं। ये इनस्टेबिलिटी को लचक बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। इसमें इस तरह की सिम्टम्स आते हैं कि आपको लगता है कि आपका जो नी है वो गिव अवे कर रहा है, वो गिव वे कर रहा है, वो हिल रहा है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको डर लगने लगता है कि आप भाग नहीं पाएंगे, आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब लक्षण आपको आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिगामेंट की इंजरी। दूसरा, कई बार लिगामेंट की इंजरी में पाँव पूरी तरह से सीधा नहीं होता, वो लॉक हो जाता है। कई बार लॉकिंग मेनिस्कस टियर अगर आपके लिगामेंट के साथ हुआ है तो भी लॉकिंग होती है। लॉकिंग का मतलब ये है कि जब अपने पैर को सीधा करते हैं तो एक डायरेक्शन में अटक जाता है, उसके बाद कट करके आवाज आती है, वो फिर वो पूरा सीधा होता है, या कई बार वो सीधा होता ही नहीं, लॉक हो जाती है। तो अगर आपको लचक आ रही है, इनस्टेबिलिटी है, या आपके नी में लॉकिंग हो रही है, या आपके नी में कट कट की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको आपके घुटने के अंदर लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे दोस्तों, तो ये लचक धीरे धीरे आपके घुटने को खराब करने लगती है, वो घुटने के काटले मतलब जो घुटने की गद्दी है उसको घिसने लगती है, साथ में आपकी जो मेनिस्कस है और बाकी लिगामेंट है उसमें भी डैमेज बढ़ाने लगती है। तो इस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको अपने नियरेस्ट जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अस्थि रोग विशेषज्ञ, उनको दिखाना चाहिए। वो कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाते हैं कि आपका लिगामेंट या ACL काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन टेस्ट के नाम है एंटीरियर रॉबर टेस्ट, पिवोट टेस्ट, लेचमैन टेस्ट। अगर ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपको लिगामेंट की इंजरी। इसके बाद हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको MRI करने के लिए बोले, क्योंकि MRI में हमें मालूम पड़ता है कि आखिर ACL में कितना डैमेज है, उसमें स्ट्रेन है, इडिमा है, पार्शियल टियर है, पार्शियल टियर में हाई ग्रेड पार्शियल टियर है, लो ग्रेड पार्शियल टियर है, या फिर वो कंप्लीट या नियर कंप्लीट टियर है। अगर इस तरह की कोई भी लेटर्स आपके MRI में लिखे हुए हैं तो आप हमें अपने MRI भेज सकते हैं नीचे वाले नंबर पर, और हम उसका फ्री ओपिनियन देंगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको ठीक करने का।